भारतीय मूल के ऋषि सुनक कैसे बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भारतीय मूल के ऋषि सुनक सोमवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन में सोमवार को उनके प्रतिद्वंदी पेनी मोरडांट द्वारा चुनाव लड़ने से नाम वापस लेने के साथ ही ऋषि सुनक देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। बता दें कि नेतृत्व की रेस में लिज ट्रस से 2 महीने पहले हारने के बाद सुनक आज प्रधानमंत्री बने। इससे पहले लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री बनने के 45 दिन बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटेन में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कुछ महीने पहले इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लिज ट्रस बने, लेकिन उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ऋषि सुनक को सांसद के 150 से अधिक सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। ऋषि सुनक के सामने पेनी मोरडांट उम्मीदवार हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। जॉनसन के इस्तीफे के बाद ट्रस और सुनक के बीच मुकाबला। बोरिस जॉनसन के इस्तीफा के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 357 योग्य सांसदों ने मतदान किया था। मतदान कई दौर तक चला था, जिसमें सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार पीएम पद की रेस से बाहर होता चला गया और अन्य उम्मीदवार आगे बढ़ते गए। अंत में 2 उम्मीदवार ऋषि सुनक और लिज ट्रस बचे, जिसमें लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी। वहीं प्रधानमंत्री पद के चुनाव के बाद लिज ट्रस देश की नई प्रधानमंत्री बनी। हालांकि उनके फैसले के कारण उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा और ब्रिटेन में एक बार फिर से चुनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसमें ऋषि सुनक सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन इसी बीच एक नाटकीय अंदाज में बोरिस जॉनसन अपनी छुट्टियां बीच में छोड़कर ब्रिटेन पहुंचे और माना जा रहा था कि वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज़।